हालात बदले मेरे अब दर्द सवारी है, वो शाम इस दिल में कभी सुबह नहीं लाती है। रिश्तों में भूल जा तलाश आजादी की है, किसी मोड़ पे हम ना मिले फिर भी मांगो हाथ तेरा। इतनी लंबी सीढ़ी चढ़ गए हम और हालत गंभीर है गाइस, बहुत खत्म लोग है रे हम दोनों, होता ही नहीं है, डेड बॉडी हो गए अपन, स्टैमिना खत्म हो चुका है गाइस पूरा। सबसे पीसफुल जगह हमारी सिटी की, सबसे पीसफुल। ना कर तू झूठे वादे, दिल यूं ही दुखता है, तेरा हर दिया दर सीने पर मेरे चुपता है। फोन करूं सारे वादे जो तूने होश में रहकर मुझसे लिए थे। वाला पेड़ दिख रहा है जो हरा हरा सा है, एक वो और एक ये जो थोड़ा सा कंगाल सा पेड़ दिख रहा है, इन दोनों के बारे में स्टोरी है। तो वो जो सूखा वाला पेड़ है वहाँ पर रात के 3 बजे दो लड़के आते हैं, मैं और मैग्नम, हम दोनों को इमेजिन कर लो। और एक लाश टंगी हुई है एक औरत की, उसने काले कपड़े पहने हुए हैं और उसने मतलब ऐसा फंदा लगा के जो ऐसे लटका देते हैं ना, और बहुत सारी कौवे उड़ रहे हैं या फिर चील मान सकते हो आप। और उसके बगल में जो पेड़ है वो मतलब पूरे गांव का सबसे ज़्यादा पवित्र पेड़ है, लेकिन गांव वाले ये सोच रहे हैं कि इतने पवित्र स्थान पर किसी की डेथ कैसे हो सकती है, और वो भी बहुत रहस्यमय तरीके से। और ये पूरी एक मिस्ट्री है जो कि पूरी दो लड़कों के आसपास पूरी स्टोरी घूम रही है। ये स्टोरी वो दो लड़के ही सॉल्व करेंगे, क्या सीन है क्या नहीं है। और ये पूरा गाँव मतलब पूरा डर चुका है कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद भी 2-3 डेथ होती हैं, वो भी इसी पेड़ पे होती हैं। ऐसी काइंड ऑफ स्टोरी मैंने ऐसी दिमाग में आई है, बाकी की स्टोरी जो भी होगी वो मैं बनाऊंगा, और इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिलता है तो मैं निकालूंगा अपने तरीके से इसको। मैग्नम बोल रहे हैं नेटफ्लिक्स को भेज देते हैं स्टोरी, और क्या 4 दिन की कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। नहीं भाई 4 दिन की क्या कोल्ड ड्रिंक, अपन खुद बनाएंगे एक दिन। ऐसी बहुत सारी स्टोरी है, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ ना, जो भी चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ मैं स्टोरी बना देता हूँ, ऐसा कुछ सीन है मेरे दिमाग का। ब्रो कुछ भी करता रहता है। सो हम यहाँ पर आते रहते हैं, बट हम 3 साल पहले आए थे यहाँ पर, व्लॉग करा था हमने, उसके बाद से हमने यहाँ पर व्लॉग नहीं किया। वहाँ पर एक फेक बीच हुआ करती थी एक, वहाँ पर हमने व्लॉग बनाया था फेक बीच का, ऐसा मतलब सीओर का बीच कुछ ऐसा कुछ नाम से बनाया था। भाई थोड़ा बंद कर ले यार सेटिंग के मैसेजों को। और पुराने दिन याद कर देना तो इतना अच्छा लगता है। और अब हम कहाँ आ गए, पहले हम क्या थे गाइस। अब सनसेट हो गया है और यहाँ से जाने में अब फटेगी हमारी बहुत, क्योंकि हमने कुछ खतरनाक सी स्टोरी इमेजिन कर ली है। रोड भी हॉन्टेड है, रोड भी बहुत हॉन्टेड लगता है यहाँ से, पूरा गांव का सीन है ना, गांव से निकल के जाना पड़ता है, कच्चे रास्ते। और माइक है क्या ये? हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर बॉय आर्क, एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्के फिल्म्स। गाइस हमने सबसे पीसफुल जगह को आज सबसे हॉन्टेड जगह बना दिया अपनी स्टोरी से। और हम आ रहे थे जब हमने इसका टाइटल सोचा था कि क्या था, सबसे पीसफुल जगह हमारे शहर की, ऐसा एरिया ऑफर सिटी, हाँ ऐसा सोचा था हमने, लेकिन अब इसका टाइटल हम चेंज कर देंगे, हॉन्टेड सा डालेंगे कुछ। खैर अभी थक गए, चलते हैं यहाँ से और दिखाता हूँ मैं आपको आगे क्या सीन होता है। लेट्स गो, यहाँ पे माता जी का मंदिर भी है गाइस। सो इतनी सीढ़ी चढ़ गए आज, हम थक गए और अब वापस उतर के जाना, उतरने में तो इतना प्रेशर नहीं लगता लेकिन चढ़ने में बहुत ज़्यादा लगता है, स्टेमिना नहीं बचा गाइस, पूरा ख़त्म हो चुका है। धक्का मार दें, ये कोल्ड ड्रिंक पी पी के तोंद नहीं बढ़ गई मेरी थोड़ी सी, तो क्या रखे हुए भाई, मेरे को लगता है कहाँ की तोंद निकल रही है भाई बंदे की। चलो गाइस चलते हैं, अब आगे की कहानी हॉन्टेड वाली हम आपको सुना। और उधर बच्चों खेल रहे भाई, उनको बता भाई, अरे भाई भाई मृत्यु हुई थी भाई अभी लेडीज की, देखेगा ही नहीं इतनी दूर से वाइट लगा रखा है। सॉरी गाइस वो वाइट की वजह से दिखा नहीं, लेकिन मैं आपको 5 से 6 साल में पूरी स्टोरी बना के दिखाऊंगा। ब्रो का प्रॉमिस है, प्रॉमिस प्रॉमिस, 5 साल बाद अगर नहीं ये करा नहीं ना तो वो डेफेमेशन केस मार देना 1 करोड़ का, कर दूंगा मैं, डन है, बस ऐसे सपोर्ट बना लो फिर देखो मैं करके बताता हूँ। गाइस 1 करोड़ चाहिए तो डेफेमेशन केस मार देना। अरे साले 1 करोड़ क्या, सपोर्ट करो तुम मेरे को, बना के बताऊंगा ये चीज। गाइस ये कोरियन लड़की से बात करता है। नहीं गाइस आतिफ असलम जिंदाबाद। सेम कलर की स्कूटी, सेम कलर की कार,
काड़ का बोल रहा हूँ भाई मैं, क्या मैं भाई इतना फंबल क्यों हो रहा है यार, बहुत टाइम से हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। चलो गाइस चलते हैं अब अपन घर साइड अपने वापस, और अभी इस रूट पे काफ़ी डर लगने वाला है क्योंकि हमने काफ़ी हॉन्टेड हॉन्टेड सी स्टोरीज बना ली हैं माइंड में, और अब जाने में थोड़ी सी फटेगी, बट इट्स ओके। तुझे कैसे मिटाऊं मेरे दिल में तू, अनजान बन बैठे हैं सारे गुम है क्यों, समाया दर्द गीत में तेरा दीत, यादें तेरी खुद को संभालू कैसे, दर्द सवारू कैसे। सो गैंग आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड पीस पीस आउट गाइस। की दूरी बनाने रिश्तों में यहाँ, तेरे झूठे आंसू निकले तेरे रिश्तों की तरह, और दो फन करूं सारे वादे जो तूने होश में रहकर मुझसे लिए थे। अपनी प्रस्तुति यहाँ दिखाएं मंच पे आके। ये डालना मत। डालूंगा ये तो, नहीं ये तो डालेगा लास्ट में।